हेलो, गुड इवनिंग फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं फैमिली। और ये वीडियो थोड़ा पुराना है बट मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे एडिट करके। थोड़ा टाइम लगा फैमिली बट उसके लिए सॉरी। और ये देखिए, हमारा कुछ पार्सल आया था और माही के पापा इस पार्सल को देख के इतना ज़्यादा खुश थे ना, जैसे कि हमारा यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन आ गया हो। मुझे भी थोड़ी थोड़ी खुशी ऐसी लग रही थी क्योंकि गत्ता ही इतना बड़ा था, बॉक्स इतना बड़ा था और इसके अंदर कुछ निकले थे, ये क्या बोलते हैं, कूपन्स वगैरह निकले थे। तो ये तो सब बेकार कूपन थे। मैंने मायके पापा को बोला साइड करो और आप जो मेन काम करने के लिए बैठे हो उसे करो। मायके पापा के चेहरे पे खुशी देखो, जैसे किसी गर्लफ्रेंड ने इनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट कर दिया हो। गर्लफ्रेंड नहीं है फैमिली इनकी, मैं बीवी हूँ इनकी और गर्लफ्रेंड आ भी नहीं सकती है। चलिए आप इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमने मंगाया था रिंग लाइट, और ये रिंग लाइट हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। 600 रुपये का रिंग लाइट है फैमिली। और अगर क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और माई के पापा ने जब इसे ओपन किया तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये जो नीचे से स्टैंड था ये वो खुल नहीं रहा था अच्छे से। बट क्वालिटी बहुत अच्छी है फैमिली, 600 रुपये में क्या ही आएगा। और 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, माई के पापा करोल बाग से लेके आए थे रिंग लाइट, वो भी मेरे पास पड़ी है। वो 1900 रुपये की लेके आए थे फैमिली और वो ख़राब हो चुकी है आज की डेट में। अगर बात करूँ वो मतलब उसका स्टैंड भी यूज़ करने लायक नहीं है। और बहुत महंगा भी लिया था मैंने रिंग लाइट, इसीलिए कोई भी सामान लो तो आप अपने कम बजट से ही लीजिए ताकि अगर ख़राब भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। वो मेरी 2000 रुपये की थी, कहाँ ये 600 रुपये की है। और 600 रुपये में मुझे मतलब क्वालिटी की अगर बात करूँ तो मतलब ठीक है, वो थोड़ा मजबूत था, ये भी मतलब काम चलाऊ तो है ही। और इसके बाद देखिए ये यहाँ पे इतना ज़्यादा अटक गया, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था माई के पापा से। मैंने कहा आराम आराम से करो यार, नई रिंग लाइट है, पता चले टूट जाए। फिर माई के पापा ने इसको स्लोली स्लोली वो किया धीरे धीरे से, तो ये जाके थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया नीचे से, नहीं तो ये खुल नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था जाम हो गई है। नई चीज़ें फैमिली जब तक यूज़ ना करो तो उसमें भी जंग लग जाता है ना, बट यहाँ पे कोई जंग वंग नहीं लगा था। देख लो, आपको पास से भी मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी लग रही है। देखिए ये ओपन कर रहे हैं और ओपन हो नहीं रहा था, फिर फाइनली जाके ओपन हो गया। ओपन होने के बाद माई के पापा ने फिर इसके जो ऊपर के जॉइंट थे रिंग लाइट के, उसको लगाना शुरू किया ताकि पूरा चेक कर ले लगाने के बाद चला के, ताकि अगर कोई भी मतलब इशू होगा तो इसको वापस रिटर्न में डाल सके। बट माई के पापा को फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी स्टैंड खोलने में, फिर फाइनली जाके खोल ही गया था। और इसका ऊपर का जो धीरे धीरे पार्ट होता है वो लगाना शुरू किया माई के पापा ने। और फैमिली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे माई के पापा मतलब अभी एक होता है ना, छोटा बच्चा होता है कि नई चीज़ देख के एक्साइटमेंट होता है, तो वो वाली चीज़ अभी आपको आगे देखने को मिलेगी माई के पापा को, कि वो रिंग लाइट लगाने के बाद उस पर उसको यूज़ भी करते हैं उसी टाइम, कि हाय फैमिली देखो मैंने रिंग लाइट ली है, अभी आपको दिखाऊंगी फैमिली। ये देखिए फैमिली कैसे जोड़ते हैं इसको, जिनको नहीं आता है रिंग लाइट वगैरह जोड़ना तो ये वीडियो आप लोग हमारे देख सकते हैं। ये मैंने एक जॉक मारा था, आप सभी को आता होगा इतना तो। और ये फाइनली हमारा स्टैंड रेडी होने वाला है। माइक के पापा ने देखो ऑफिस से आने के बाद कपड़े भी नहीं बदले, लंच बैग भी सामने ही दिख रहा है आपको, घड़ी भी नहीं उतारी, पानी भी नहीं पिया, सीधा आके रिंग लाइट में लग गए हैं ना। ये बच्चों वाली एक्साइटमेंट, ये देखिए लगाने के लिए कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। और माई के पापा जब लगा लेते हैं ना तो बोलते देखो मैंने लगा दिया है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं भी लगाती तो मैं भी लगा ही देती। फैमिली हमें शाम को चाय पीते पीते 6-7 बज जाते हैं, क्या हम लोग सही टाइम पे चाय पीते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है जो शाम की चाय होनी चाहिए कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में होनी चाहिए फैमिली। मुझे लगता है 4 से 5 बजे के बीच में वही लोग चाय पीते होंगे जिनका खुद का बिजनेस होगा। ड्यूटी वाले लोग तो टाइम से छुट्टी होती है 6 बजे, 6 बजे से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी घर में जल्दी से छुट्टी होती होगी। जो ऑफिस टाइमिंग है मेन तो 10 से 6 ही होता है, उसके बाद ही हम चाय बनाते हैं क्योंकि हमारा यही शेड्यूल है। और अब मैं जाऊँगी चाय बनाने क्योंकि माई के पापा ऑफिस से तो आ गए, बट ये रिंग लाइट लगाने में इतना बिजी है कि इनको अभी चाय जैसे पीनी
बनी ही नहीं है। मैं इनसे खड़े होके 3 से 4 बार पूछा चाय बनाऊं, बट देखिए इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि ये महान व्यक्ति अभी रिंग लाइट लगाने में बिजी है। और जब तक ये रिंग लाइट नहीं लगा लेंगे ना फैमिली, इनको चैन पड़ने वाला भी नहीं है। और ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये हमारी जो रिंग लाइट है ये नवरात्रों के टाइम पे ही आ चुकी थी, यानी कि आप मान के चलिए 10 से 15 दिन पहले का ये वीडियो है। अब जाके मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली मैं सच बताऊँ यूट्यूब पे मैं थोड़ा डीमोटिवेट होती जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद हमारी वीडियो पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं लगती, क्योंकि जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं हमारी वीडियो पे, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया है फैमिली। क्योंकि नए जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में नहीं पता होता है। जब तक आप लोगों का थोड़ा सा प्यार नहीं होगा ना फैमिली, तो हम लोग भी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसीलिए फैमिली, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो वो शेयर भी कीजिएगा फैमिली। इसी तरीके से अगर आप लोग प्यार देंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे, और हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आए। और यहाँ देखिए माई के पापा ने फाइनली रिंग लाइट ऑन कर लिया, और रिंग लाइट ऑन करने के बाद तो इनके चेहरे को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी अभी कोई 1000-2000 वाला फेशियल करा के आए हैं। फैमिली सच बताऊँ, हमारी शादी की बात बता रही हूँ, शादी पे मैंने भी फेशियल नहीं कराया था, माही के पापा ने फेशियल कराया था। देखो इनका फ़ोन लगा नहीं है और ये बिना फ़ोन के चालू हो गए कि हाँ देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाय गाइस, ये गाइस, वो गाइस, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना छोटे बच्चों वाली, वो है इनके अंदर। देखिए फ़ोन नहीं लगाया, ध्यान से देखिएगा, जहाँ फ़ोन लगाते हैं वहाँ फ़ोन नहीं लगाया। ये किससे बातें कर रहे हैं, ये लग रहा है भूतों से बातें कर रहे हैं। तो चलिए फैमिली, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।